हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अमिष्का रियल लाइफ ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हमारे यहाँ बन रहा है मोमोज, मार्केट जैसा एकदम प्योर, एकदम मार्केट का टेस्ट लाना है। मोमोज बनाने के लिए हम रेडी हो गए हैं। आप देख सकते हो कि मेरे हाथ में ये क्या है, ये सारा सामान है मोमोज के अंदर जाता है सामान। तो ये है दो प्याज, पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, गाजर, चार कलियाँ हरी मिर्चा और ये पांच छह कलियाँ आपका अदरक, ये लहसुन सॉरी। तो अदरक मेरे पास नहीं था और बाकी ये सब सामान। और हम मेरे पास आज वेज मोमोज बन रहा है, तो वेज मोमोज के लिए आपको ये सोयाबीन चाहिए। और यदि आप नॉन वेज बनाना चाहते हैं तो आप फिर नॉन वेज, आपको तो नॉन वेज नहीं बन रहा है, नॉन वेज आइटम कुछ नहीं बन रहा है। और चटनी के लिए आप देख सकते हो धनिया पत्ता, टमाटर, इसमें और भी मिलाऊंगी मैं जब चटनी बनाऊंगी, तो वीडियो में बने रहिए तो पता चलेगा आपको। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास चॉपर नहीं है, बॉल वाला चॉपर होता है वो सबसे बहुत अच्छा होता है, बहुत इजी से वो कट जाता है, बहुत बढ़िया सारा कट जाएगा। तो अभी हमको इसमें घिसना पड़ेगा, एक एक करके सारा घिसना पड़ेगा। और वो रहता तो बहुत अच्छा रहता, मेरे पास टूट गया था मेरे पास, तो हमको खरीदना पड़ेगा वो। तो इसी में सब चीज़ मैं अभी करूँगी, कस दूँगी, कद्दूकस कर दूँगी। और ये एक्चुअली में इसको कसने के लिए हमको मिक्सर का उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये तो कसाएगा नहीं, तो मिक्सर में इसको हम डाल करके पूरा कस देंगे। तो ठीक है, वीडियो में बने रहिए, एक एक बारी दिखा रही हूँ। ये रेसिपी है मोमोज के लिए, तो आप देखिएगा तो ही सीखिएगा, वरना नहीं हो पाएगा। चलिए वीडियो में बने रहिए। तो देख सकते हो इसको निचोड़ के मैं पानी निकाल रही हूँ, देखिए, और सारा मिक्सर में जाएगा ये अभी। और इसको मैं अच्छा से ग्राइंड कर लूँगी। तो ये देख सकते हो सारा ये पिसा गया है मेरा सोयाबीन। तो देख सकते हो ये पूरा तरह से मैंने कस ली हूँ उसमें। और अब इसमें डालने की बारी है मेरा नमक। अभी इसमें कुछ भी नहीं डाले हैं, सिर्फ जो खड़ा जो था वो सब कस आ गया है। अब इसमें नमक मैं डाल रही हूँ, देख सकते हो कैसे डाल रही हूँ, देख सकते हो। अभी ज़्यादा नमक नहीं डालना है, मतलब ज़्यादा जो इसमें ज़रूरत हो उतना ही डाल रही हूँ। उसके बाद फिर इसको मिला के अच्छा से, देख सकते हो हाथ से, इसको लगभग मेरे ख्याल से तीन से चार मिनट इसको छोड़ देना। तो ये लगभग मेरे 3 से 4 मिनट हो गया है, आप देख सकते हो पूरा पानी छोड़ दिया है। ये देखिए पानी पूरा छोड़ दिया है। इसको गार गार के अच्छा से दबा दबा के पानी को निकालेंगे। चाहे आप इसमें कॉटन कपड़ा लेकर भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम इसी तरह हाथ में इसे निकाल रही हूँ। हाथ से बहुत आसानी से निकल जाता है, कॉटन कपड़ा में थोड़ा मेहनत लगता है। तो देख सकते हो सारा पानी मैं इसमें निचोड़ करके सारा पानी को फेंक दिए हैं। देखिए पूरा अच्छा से ये निचोड़ गया है पूरा। इसी तरह निचोड़ना है आप सभी को, यदि इस तरह बनाना है तो आपको सारा देखिए, ध्यान से देखिए, आपको एकदम बढ़िया से मैं बता रही हूँ आप सबको। और ये एक रेसिपी है, एकदम मार्केट वाला टेस्ट आ जाएगा, पूरी तरह से आता है। तो थोड़ा सा कढ़ाई में तेल डाल के हमको थोड़ा सा इसको फ्राई करना है, भुनना है इसको, ताकि ये कड़वापन जो हरा मिर्चा, ये क्या बोले सॉरी, ये जो सब्जी, जो कच्चा सब्जी को थोड़ा सा भून करके थोड़ा अच्छा सुनहरापन लाना है टेस्ट के लिए। तो तेल में ऐसे कुछ मैं नहीं डालूंगी, इसमें कुछ भी नहीं पड़ेगा, कुछ भी पचफोरन जैसे कुछ भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऐसे डायरेक्ट तेल को ऐसे लेके डाल सकते हैं, डालना है। तो देख सकते हो अब इसमें हमको सिर्फ ज़्यादा सामान नहीं, सिर्फ दो ही सामान मिलाना है इसमें। ये देखिए धनिया पाउडर जाएगा इस पे। और नमक तो मैं पहले ही डाल दी थी इसमें, नमक बिल्कुल नहीं जाएगा, नमक पहले डाल दूंगी, डाल दी थी ताकि पानी छोड़े नहीं। अब इसमें हल्का ये धनिया पाउडर और जीरा पाउडर, बस दो ही सामान, और किसी चीज नहीं डाल सकते हैं। अब इसको अच्छा से भून लेते हैं। क्योंकि हरा मिर्चा भी नहीं डालना है, हरा मिर्चा भी पहले डाल दी थी इसमें काट काट के पतला पतला। तो इसको लगभग आप इसको भूजिए, 2-4 मिनट तक भूजिए इसको, भूज करके फिर हो जाएगा, 2-4 मिनट लगता है टाइम इसमें। देख सकते हो लगभग मेरा भुना गया है ये,
अब मैं इसको फ्लेम को बंद करूंगी। तो साथ साथ सोचे कि अभी उधर ये थोड़ा सा ये इस पूरा तरह से रेडी हो चुका है, ये इसको ठंडा होने के लिए थोड़ा सा समय देना पड़ेगा हमको। तो सोचे कि थोड़ा सा समय देने से हो जाएगा तो इधर चटनी की तैयारी कर लेते हैं। तो इसमें लहसुन है और 3 हरा मिर्चा है, तो लहसुन को हम इसे पहले डाल रहे हैं। उसके साथ ही इसको पकने से उसके बाद देख सकते हो इसमें जाएगा धनिया और टमाटर। थोड़ा देर ये भुनेगा, उसके बाद मैं साथ में ही इसमें नमक डाल दूंगी। ये देख सकते हो 1 चम्मच पूरा नमक। और आरव को बहुत कष्ट से भूख लगा क्योंकि उसको मोमोज बहुत पसंद है, बहुत वो मार्केट में खाता है तो लगभग 2 प्लेट खा लेता है वो, उसको बहुत पसंद है। और गुस्सा भी है, ट्यूशन पढ़ के आया तो मोमोज खाना है जो ऐसा गुस्सा है वो। तो देखिए मेरा स्पेशल चटनी है ये, और ये चटनी आप इस तरह से बनाइएगा ना तो ये क्या होगा कि मोमोज खाने में बहुत मतलब बहुत पसंद आएगा आपको। मार्केट वाला चटनी खास करके हमको पसंद नहीं आता है, और इसी टाइप में चटनी हम बनाते हैं, ज़्यादातर इसी तरह बनाते हैं। देख सकते हैं ज़्यादा देर नहीं भुनना है, थोड़ा देर में भूनूंगी ताकि टमाटर हल्का सा गल जाए, क्योंकि देखिए धनिया जाते के साथ पूरा गल चुका है ये। तो रेडी हो गया है मेरा चटनी, देख सकते हो। तो सीधा जाएगा जार में ये, अब जार में इसको ट्रांसफर करती हूँ मैं, देख सकते हो आप सब। ये देखिए नमक तो सब चीज़ डाल दिए हैं इसमें, टोटल चीज़ डला गया है, अब सिर्फ ये ग्राइंड होगा बस और कुछ नहीं होगा उसके बाद मेरा। और ये बहुत टेस्टी लगता है, बहुत टेस्टी, एक बार तो आप लोग ट्राई कीजिए। तो ये इसका जो डो है मैदा का वो पहले ही तैयार करके मैं रख दी हूँ। ये मैदा में कुछ नहीं पड़ता है, सिर्फ आप सुसुम गर्म पानी से, हल्का सुसुम गर्म पानी से इसको लगा लेना है और ये तैयार हो जाएगा। इसमें कुछ भी नहीं पड़ता है, कोई नमक नहीं, कुछ भी नहीं, सिर्फ ऐसे ही। अब कोई भी मोम भी नहीं डालना होता है, ये सिंपल ऐसा ही बनता है। तो थोड़ा सा इसमें क्या होगा कि आप इसको कड़ा ही सानिएगा, गीला नहीं सानिएगा। तो इसको हम लगा के सबसे पहले ही छोड़ रखे थे, अब देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा से हो गया। तो अब मेरा यहाँ नीचे में ये होगा, अब इसको अच्छा से मिला लेते हैं। तो देख सकते हो छोटे छोटे लोई मैं बना रही हूँ, देख सकते हो ये सब। इसको अब इसी तरह इसको कर लेना है और देखिए ये पूरी तरह से रेडी हो गया है। अब इसको देखिए ये जो बनाई हूँ मैं, हाँ इसको मैं डालूंगी इसमें भरपूर के। आप मार्केट में खाइएगा तो आपको थोड़ा थोड़ा मिलेगा, और घर में बनाने से एक फ़ायदा है कि इसमें आप अपना हिसाब से डाल सकते हो, आपको कितना पसंद है। तो देख सकते हो हम कैसे इसको बनाएंगे, ये देख सकते हो पहले ऐसे करके, ये देखिए पहले इसको ऐसे पकड़ना है, देखिए ऐसे पकड़ना है, फिर ऐसे पकड़ना है, फिर ऐसे करना है, फिर इसको ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करना है, फिर ऐसे करके देखिए ऐसे, फिर इसको ये ऐसे करके आप ऐसे करके, ये देखिए बन गया खूब अच्छा से। एक चीज़ है, बड़ा बड़ा ही बना रही हूँ ताकि हम लोग अच्छा से खा सकें, और वरना इसमें ये देखिए रख देती हूँ सब बना करके उसके बाद फिर आपसे। तो देख सकते हो ये पूरी तरह से तैयार हो चुका है, ये मैं अथी कर दी हूँ, स्टेपिंग कर हो सब पैक हो गया, अब सीधा जाएगा गैस के ऊपर। तो गैस में वो देसी जुगाड़ मैं लगा ली हूँ, ऐसे तो बनता था इसी के अंदर, तो इसका देसी जुगाड़ देखिए कैसे मैं बना रही हूँ। ये देखिए एक एक करके फिर इसमें मैं डाल रही हूँ, ये सारा ले लेगा क्योंकि थोड़ा ज़्यादा था, इस वजह से एक ही राउंड में सब हो जाएगा। अभी मेरा ये देसी जुगाड़ में हम सबसे पहले इसमें पानी डालें, आधा पानी यहाँ तक के पानी डालें, उसके बाद फिर ये कॉटन कपड़ा ऊपर से लपेट के बांध के अच्छा से, उसके बाद देखिए ऊपर से मैं ये डाल दी हूँ और ये थोड़ा देर में लगभग 5 मिनट भी नहीं लगता है हो जाएगा। अब देखिए इडली का ही ढक्कन है, बर्तन का ढक्कन है, अब इसमें पैक कर देंगे, ठीक है। अब ये पैक हो जाएगा, अब धीरे धीरे ये खूब अच्छा से भाप से ये पक जाएगा। तो फिर मैं दिखाऊँगी आप सभी को, वीडियो में बने रहिए। तो देखिए मैं चटनी को पीस ली हूँ,
आप देख सकते हो चटनी मेरा पूरी तरीके से रेडी है और ये बहुत चटपटा बहुत टेस्टी है बनता है ये इस तरह जैसे मैं बनाई हूँ उस तरह से। तो अब चटनी रेडी है, मोमोज भी थोड़ी देर में रेडी हो जाएगा, उसके बाद मैं दिखाऊंगी आप सभी को। तो लगभग सब रेडी हो चुका है, आप देख सकते हो, इधर आइए दिखाइए। अब मैं खोल रही हूँ, देखते हैं बन के हो रहा है, तैयार हो गया है कि नहीं। तो देखिए पूरी तरह से रेडी हो चुका है ये, अभी गर्म है, बहुत अच्छा से रेडी हो गया। तो फ्लेम को बंद कर देते हैं और थोड़ा सा ठंडा होगा उसके बाद मैं इसमें निकालूंगी इसमें। हेलो फ्रेंड्स, मेरी मम्मी के ब्लॉग को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। तो देख सकते हो कि मेरे मोमोज पूरी तरीके से रेडी है, एकदम मार्केट स्टाइल में बना है और टेस्ट भी आपको एकदम अंतर नज़र नहीं आएगा दोनों में, और ज़्यादा अच्छा लगेगा मार्केट से, क्योंकि वहाँ का चटनी होता है ना आपको पसंद नहीं आएगा। ये जो देसी चटनी हम बनाए घर में, तो वो चटनी का कुछ अलग ही मज़ा है इस मोमोज के साथ। पूरी तरह से रेडी हो गया है, अब खाने के लिए हम लोग जा रहे हैं, सभी लोग खाएँगे। तो चलिए आज वीडियो को यहीं एंड करेंगे, और तो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपना अच्छा वाला प्यारा वाला ध्यान रखिए। तो ठीक है, बाय बाय।